हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। तो आइए हम लोग देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनसे रिलेटेड जो कौन कौन से साइंटिस्ट है। तो इनसे पहला जो साइंटिस्ट का जो नाम आता है वे है एच जे ड्यूट्रोचेट। ये जो है सो 1824 में जो है सो इन्होंने जो है सो इनको जो है सो फाउंडर ऑफ द सेल थ्योरी का जो है सो उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने जो है सो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू को लिया था और टिश्यू को जो है सो एसिड में रखकर उन्होंने बॉयल किया था और बॉयल करने के बाद उसको जो है सो सभी को जो है सो एक दूसरे से सेपरेट कर किया और उसको जो है सो काफ़ी बारीकी से उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने जो है सो यह निष्कर्ष निकाला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वह सभी जो है सो सेल से मिलकर बना हुआ हुआ है ना। यानी कि सेल जो है सो उसका एक यूनिट है, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने जो है सो सेल थ्योरी दिया और इसीलिए उनको जो है सो चूंकि सबसे पहले ये काम करने वाले जो थे साइंटिस्ट थे, है ना, तो इसलिए इनको जो है सो फादर ऑफ द सेल थ्योरी के सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो थे वह एम जे स्क्लेडेन। ये जो है सो 1838 में एक यह जो थे ये एक जर्मन बोटानिस्ट थे। ये जो है सो बोटनी के ज्ञाता थे और यानी कि वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे के बारे में बहुत विशेष जानकारी रखते थे। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे थियोडर एस्क्वानन, है ना, तो ये जो थे ये जो है सो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये जो है सो जंतु विज्ञान के काफ़ी जो है सो मतलब कि जानकार थे। तो इन्होंने जो है सो पेड़ पौधे के ऊपर गहन अध्ययन किया था और इन्होंने जो है सो जीव जंतु के ऊपर गहन अध्ययन किया था। तो इन दोनों ने मिलकर इन्होंने जो है सो प्लांट सेल के बारे में ऑब्जर्व किया और इन्होंने जो है सो एनिमल सेल के बारे में ऑब्जर्व किया। दोनों ने ऑब्जर्व करने के बाद दोनों ने जो यह कंक्लूजन निकाला, दोनों ने देखा कि बहुत सारी जो है सो सिमिलरिटी जो है सो प्लांट सेल में मौजूद है वह एनिमल सेल में भी है। यानी कि दोनों सेल के, प्लांट सेल और एनिमल सेल के सिमिलरिटीज के बारे में जो समानताएँ थी उसके बारे में इन्होंने जो है सो डिस्क्राइब किया और उसको जो है सो इन्होंने बताया। तीसरे साइंटिस्ट थे विर्चाओ जो थे, इन्होंने जो है सो, ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो है सो क्या किया कि इन्होंने जो है सो ये जो इन लोगों ने जो सेल थ्योरी को दिया, उस सेल थ्योरी को जो है सो उन्होंने काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया और उन्होंने जो है सो मॉडिफिकेशन भी किया। तो उन्होंने कुछ जो है सो इसमें जो है सो कमी या दोष को बताया, है ना, लिमिटेशन को बताया और फिर उन्होंने जो है सो उस सेल थ्योरी को नए तरीके से मॉडिफाई कर रिप्रेजेंट किया, है ना। तो ये काम जो है सो इन्होंने किया विर्चाओ साहब ने 1858 ईस्वी में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेल थ्योरी जो है सो जो कि मॉडर्न में जो है सो मतलब कि जो रिप्रेजेंट किया गया है, है ना, तो वह सेल थ्योरी है क्या, ठीक है। तो आइए हम लोग सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। सेल्स इज बेसिकली अलाइक, तो ये हमारा सेल थ्योरी है। तो पहला सेल थ्योरी क्या कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो भी सेल जो होता है, जैसा कि हमने देखा था सेल में कि सेल जो होता है वह जो है सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल भी है, यानी कि उसको संरचना यानी उसको कंस्ट्रक्ट भी करता है और उसको एक्टिवेशन भी करता है, यानी कि उसको फंक्शन को भी शो करता है, ठीक है। उसके बाद ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म वह जो है सो सेल से मिलकर बना हुआ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है इच सेल बिहेव्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि सभी सेल जो है सो इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसीलिए तो वह यूनिट कहलाता है, है ना। यानी कि सभी सेल जब अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, फिर सभी बहुत सारे सेल वह सभी जो है सो एक समूह बन जाता है, जिससे जो है सो सभी टिश्यू जो है सो एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि टिश्यू हमारा फंक्शन करने लगता है। टिश्यू जब फंक्शन करता है तो ऑर्गेन फंक्शन करने लगता है, ऑर्गेन जब फंक्शन करता है तो ऑर्गेन सिस्टम फंक्शन करता है, और फिर ऑर्गेन सिस्टम जब फंक्शन करता है तब जाकर हमारा पूरा ऑर्गेनिज्म जो है सो फंक्शन को शो करता है। तो नेक्स्ट जो है सो हमारा चौथा जो है, ये जो है सो ऑल सेल्स फंक्शन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्लीट सेल। इसका मतलब वही होता है ना, कि सभी जो है सो इंडिविजुअली काम करते हैं, सभी इंडिविजुअली जो है सो फंक्शन को जो है सो शो करते हैं, तभी जाकर पूरा ऑर्गेनिज्म जो है सो फंक्शन को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है द न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम ओल्ड सेल, तो जो नया सेल जो फॉर्म होता है वह पुराने सेल से ही फॉर्म होता है ना। जो यानी कि आप ये इस तरह से ये समझ लीजिए कि आप जो दुनिया में आए तो आपके माता पिता थे, इसलिए आप दुनिया में आए, है ना।
तो इसी तरह से जो नए सेल जो फॉर्म होते हैं वह जो है सो पुराने सेल से ही फॉर्म होते हैं, यानी कि प्री एक्सिस्टिंग सेल से। उसके बाद द केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल सेल्स इज बेसिकली अलाइक, यानी सेल के अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, वह सभी जो है सो एक दूसरे से सिमिलरिटी को जो है सो शो करता है, यानी सभी लगभग जो है सो एक समान ही होते हैं। मैनी मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।